नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना की स्थिति को काबू में करने के लिए सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, भारत के इस प्रयास में लगातार विदेशी मदद भी मिल रही है। अब तक बता दें आपको, विश्व के 40 बड़े ऐसे देश हैं जो भारत की मदद के लिए आगे आए हैं और लगातार विदेशों से मेडिकल सप्लाई जो है वो भारत को मिलती रही। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जहाँ अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर बेड और जो कोरोना की जो दवाइयाँ हैं उसकी जो है कमी देखने को मिली थी। ऐसे में लगातार विदेशों से भारत को मदद मिली है। कई बड़े देश ऐसे हैं जो लगातार भारत को जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर समेत जो कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां हैं वो लगातार भारत को सप्लाई की। इसी कड़ी में अगर अभी बात करें तो थोड़े देर समय पहले भारत में नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड से भी मदद की एक खेप जो है वो भारत पहुँची। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 200 ऑक्सीजन सिलेंडर के समेत कई अन्य जो है कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले दवाइयां और उपकरण के जो एक खेप है वो दक्षिण कोरिया से पहुंचा है भारत। इसी के साथ ही नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड से भी भारत में जो मेडिकल की सप्लाई है वो पहुंचाई गई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड से एक खेप भारत पहुँचा था जिसमें बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कोरोना के इस्तेमाल में आने वाली दवाइयाँ, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ऑक्सीजन की जो कमी उसको लगातार पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, वेंटिलेटर की जो कमी थी उसके लिए लगातार। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार कोरोना के मामलों पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रही है और जो भारत की एक जो विश्व में पहचान है उसका फायदा देखने को मिल रहा है कि लगातार विश्व के जितने भी बड़े देश हैं वो भारत सरकार के साथ इस कोरोना की स्थिति पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार भारत को मदद पहुंचाई जा रही है। अगर कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 348,421 केस नए सामने आए हैं। वहीं रिकॉर्ड के तौर पर कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में 4205 लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस की वजह से हुई। इससे पहले ये आंकड़ा 7 मई को पहुंचा था जब 7 मई को 4187 लोगों की इस जानलेवा वायरस के चलते मौत हुई थी। हालांकि सरकार जिस तरीके से लॉकडाउन का ऐलान किया है और कई राज्यों ने अपने अपने यहाँ सख्ती लागू की है उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें कमी आई है और रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले लगातार जो 24 घंटे के आंकड़े थे वो 4 लाख और 4 लाख के ऊपर आते थे, लेकिन अब ये गिर के 3.5 लाख के अंदर हो गए हैं। तो जिस तरीके से सरकार लोगों से लगातार अपील कर रही है कि घर में रहें, सरकार लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, विदेशी मदद भी इसमें लगातार मिल रही है। तो जिस तरीके से लगातार विदेशी मदद मिल रही है और अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड की कमी की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, उससे विदेशी मदद जो है वो भारत के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही है, जिसके चलते कई ऐसे मरीज हैं जिनकी स्थिति खराब थी उनकी जान को बचाया भी जा रहा है।